अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक दूसरे को इसी तरीके से सपोर्ट करें। और बहुत ही खूबसूरत, देखें बारिश का मौसम हो रहा है, आप लोग को नज़र आ रहा होगा, और फुल जो है वो काले बादल छाए हुए। और ये मेरी किचन की खिड़की है जहाँ से मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। एंड मैं बना रही हूँ भिंडी, जिसके लिए मैंने प्याज जो है वो फ्राई करने को रखी है। और इसके अंदर मैंने क्या डाला है, थोड़ी सी कलौंजी डाली है, थोड़ा सा रायदाना एंड ज़ीरा और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च इस टाइम पे हमने डाल दी है। और प्याज हल्का ही से जो कलर चेंज कर देगी, तो फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। एंड ये भिंडियाँ मैंने काट के रखी हुई हैं, ठीक है। एंड टमाटर ऐड करके बाद फिर उसके अंदर भिंडियाँ डाल के फिर हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। तो देखते रहें आप लोग वीडियो और इस रेसिपी को फॉलो करें और भिंडी घर पे बना के देखें और फिर बताएं कैसी बनी है। मैंने एक भिंडी की बहुत अच्छी रेसिपी जो है वो मैंने पहले डाली थी, थोड़ी डिफरेंट रेसिपी थी, वो दही भिंडी थी और वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है वो भिंडियाँ बनी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। वो रेसिपी भी यार ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कैसी थी। और ज़रा पीछे शोर की आवाज़ आ रही है तो आई एम सो सॉरी, बिकॉज यहाँ जो ये हॉब भी चल रहा है एंड थोड़ा बहुत तो खाने का भी शोर होता है। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ तो मैंने इसे टमाटर ऐड किए और नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च एंड पिसा हुआ धनिया थोड़ा सा, और हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कि हल्के से टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे और फिर इसको थोड़ा दम पे रख देंगे। और पानी तो भिंडी में आपको पता है बिल्कुल भी ऐड नहीं होता, भिंडी खुद ही अपना अपना पानी छोड़ती है और 5 से 10 मिनट लगाते हैं खुद ही गल जाती है। तो बस चलें लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए और मैंने इसमें भिंडी ऐड कर दी है, ठीक है। और भिंडी ऐड करने के बाद हल्का सा हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं इसको ढक दूँगी एटलीस्ट 5 से 10 मिनट के लिए। और खुद ही जो है सॉफ्ट हो जाएगा तो मैं फिर हरा मिर्च, हरी मिर्च ऐड कर दूँगी, हरा मिर्च नहीं हरी मिर्च सॉरी, जब बाकी हो जाती है मैं ज़्यादा ही। और मेरे बेटे भी दिखाएँ कौन सी डिलीवरी आई है आपकी, ओह माय गॉड लाइन। तो खाने के साथ साथ ये सब कुछ चलता रहता है, दो ये हमदान की डिलीवरियाँ चलती रहती हैं साथ साथ। चले मैं आपको पैसे दे दूँ? हाँ। ये ले लाए मेरे मेरी चीज़ें दे दूँ, ये भी चाहिए। ओह माय गॉड इतने ये लें भाई, थैंक यू सो मच। मेरा मेरी चीज़ें तो दे दें जो आपने मुझे डिलीवरी करनी है। हम दिखाने आते हैं सिर्फ देखने के पैसे। हाँ। चले सही है, ठीक है भाई, अच्छे डिलीवरी वाले। तो बस आपको डिलीवरी देखेंगे हम मान की, बस इसको मैं ढक्कन लेके इसको ढक दूंगी, ठीक है। इस फाइनल तो ये ढक दिया और इसके 5 मिनट बाद मेरे मैस में जो है वो हरी मिर्च जो है वो एक दो काट के जो है वो ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने भिंडियों में हरी मिर्च जो है कट कट के डाली हैं, आपको नज़र आ रही होंगी ये रहेंगे, तो कट कट के डाल दी। और इसके बाद हम इसको 2 मिनट और रखेंगे और उसके बाद इसको हरा धनिया से गार्निश कर देंगे एंड भिंडिया इज रेडी। और साथ 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 बच्चों की चीज़ें भी चलती रहती हैं, तो हमदान को खाने हैं सॉसेजेस, तो मैंने ऑयल गर्म करने को रख दिया था। ये ऑयल गर्म हो गया मतलब सॉसेजेस जो है वो फ्राई हो गए, ठीक है। तो वीडियो जो है ना बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है, खासकर तो बच्चों के साथ, बीच में बच्चे आते रहते हैं अपनी कोई ना कोई चीज़ बना बताते रहते हैं कि अब ये करना है, अब वो करना है, फना करना है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और जितनी भी मदर्स हैं जो कि वीडियोस बनाती हैं, जिसके प्लीज़ सपोर्ट किया करें,